यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच एक बार फिर से रूस का करीबी बेलारूस भी मैदान में आ गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सेना बेलारूस के बॉर्डर पर आ गई है। बेलारूस भी युद्धग्रस्त यूक्रेन का पड़ोसी देश है। अब रूसी सेना बेलारूसी सीमा की तरफ से यूक्रेन को घेरने की कोशिश में है। बेलारूस द्वारा रूसी सेना के साथ एक नए सैन्य संबंध की घोषणा के बाद यूक्रेन को रूस के खिलाफ युद्ध में एक नए मोर्चे का सामना करना पड़ सकता है। बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने सोमवार को कहा था कि उनके देश 60,000 मजबूत सेना में से कुछ बेलारूस में रूसी सैनिकों के साथ तैनात होंगे। बेलारूस ने यह घोषणा ऐसे समय में की जब रूस ने यूक्रेन पर अपना आक्रमण तेज कर दिया है। रूस ने सोमवार को यूक्रेन की राजधानी कीव समेत उसके कई शहरों पर हमला किया था जिसमें नागरिक ठिकानों का निशाना बन गया था। राजधानी कीव में हमले के 8 लोगों के जान जाने की खबर है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बाद में कहा कि यूक्रेन पर हमले मॉस्को नियंत्रित क्रीमिया प्रायद्वीप के एक पुल पर हमले समेत कीव की आतंकवादी कार्रवाई की जवाब में किया गया है। व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक लुकाशेंको ने बिना कोई सबूत दिए दावा किया है कि यूक्रेन बेलारूस पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। वेल्टा समाचार एजेंसी के अनुसार राजधानी मिन्स्क में एक सुरक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा है कि यूक्रेन आज सिर्फ चर्चा नहीं कर रहा है बल्कि बेलारूस क्षेत्र पर हमले की योजना बना रहा है। बेशक यूक्रेनियन को इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वे हमारी दक्षिणी सीमाओं पर दूसरा मोर्चा खोलना चाहते हैं। सैन्य दृष्टिकोण से ये पागलपन है। बेलारूस की चेतावनी के बाद जेलेंस्की ने सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरिंग की मांग की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन बेलारूस सीमा पर एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी मिशन का आह्वान किया है। G7 राष्ट्र के प्रमुख एक साथ एक वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। जेलेंस्की ने नेताओं से कहा कि उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन भेजना चाहिए जो बेलारूस के साथ यूक्रेनी सीमा की निगरानी करे। G7 की बैठक के दौरान जेलेंस्की ने नेताओं से यूक्रेन की रूस के खिलाफ खुद को बचाने के लिए पर्याप्त एयर डिफेंस सिस्टम देने के साथ साथ मॉस्को पर सख्त नए प्रतिबंध लगाने की भी आह्वान किया। जेलेंस्की के साथ बैठक के बाद 7 देशों के समूह G7 के नेताओं ने कहा है कि वे यूक्रेन के साथ तब तक मजबूती से खड़े रहेंगे जब तक ये जरूरी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, कैलकोलिंग नेशनल, न्यू दिल्ली।